प्यारे बच्चों, हम पाठ 14 पढ़ रहे हैं अकबरी लोटा। आज हम इसका भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक साधारण लोटे को ऐतिहासिक लोटा बना दिया जाता है और फिर उस पर वाद विवाद चल पड़ता है पंडित बिलवासी मिश्र और एक अंग्रेज का। अब आगे पढ़ते हैं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गईं। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है, संग्रह यानी कि इकट्ठा करने का। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है, अंग्रेज ने कहा। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक यानी कि अधिकार। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। भुरता मतलब कुचल दिया अंगूठे ने, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह अंग्रेज कह रहा है कि उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। बकवास यानी कि व्यर्थ की बात है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। ताव यानी कि जोश। कौन साहब? अंग्रेज, जिसके ऊपर लोटा गिरा था। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। किसके पास? पंडित बिलवासी मिश्र जी के पास। वो 250 भी उन्होंने अपने मित्र लाला झाऊलाल के लिए लाए थे, लेकिन अब अंग्रेज के सामने वह लाला झाऊलाल को पहचानने से मना कर रहे हैं। तो इसके पीछे उन्होंने एक चाल रची है। तो वो चाल क्या है कि वह उस लोटे को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उसे उन्होंने अंग्रेज को 500 रुपए में बेच दिया। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। डींग मतलब व्यर्थ की बातें, कान पक जाना, परेशान हो जाना। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनसे होड़ रहती है। होड़ यानी कि प्रतिस्पर्धा रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम कराया था।
जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूर जहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूर जहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बिलोर यानी कि शीशे की पारदर्शी हांडी या बर्तन। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को यहाँ पर जो है डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। दून की मतलब शेखी नहीं बगाड़ सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। पुश्त यानी कि एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब अंग्रेज जब चला गया फिर पूछने लगे लाला झाऊलाल बिलवासी जी से, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लीजिए यानी कि संभाल कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर विलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। अंतर्धान यानी कि गायब हो गए। उस दिन रात्रि में विलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। सिकड़ी होता है जंजीर, ताली होता है चाबी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो अब हमें कहानी में पता चल गया कि पंडित बिलवासी मिश्र जो 250 रुपये लाए थे वह पत्नी के संदूक से चुरा कर लाए थे। तो बच्चों, ये कहानी का तीसरा भाग भी समाप्त हो गया। आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो ये शब्दार्थ के रूप में यहाँ कुछ शब्द रखे गए हैं, तो ये पाठ में पढ़ते हुए भी आए हैं, तो आप इनको फिर से एक बार ध्यानपूर्वक देखें और समझें, और इन कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों आप अपनी कॉपियों में साफ और सुंदर तरीके से लिखें। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ें।